भोजपुरी सिने प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि वो जिस फिल्म का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो फिल्म अब जल्द ही सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। अभिनेता प्रदीप पांडे चिंटू अभिनीत भोजपुरी फिल्म दुल्हन चाही पाकिस्तान से के लिए दर्शकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। दरअसल अब इस फिल्म को 5 अगस्त को रिलीज किए जाने का ऐलान कर दिया गया है। याद रहे कि इस फिल्म का प्रदर्शन ईद के मौके पर होना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से इसकी रिलीजिंग डेट आगे बढ़ा दी गई थी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ये फिल्म अभिनेता प्रदीप पांडे के लिए मील का पत्थर साबित होगी। साईदीप फिल्म्स और आदि शक्ति एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी राजकुमार पांडे द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म दुल्हन चाही पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक संगीतमय रोमांटिक फिल्म है। फिल्म की कहानी खुद राजकुमार पांडे ने ही लिखी है। इसके अलावा पटकथा और संवाद लालजी यादव ने लिखे हैं। यहाँ ये भी बताते चले कि इस फिल्म की रिलीज डेट कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आगे खिसका दी गई थी। फिल्म के अभिनेता चिंटू ने बताया था कि फिल्म के ग्राफिक्स का काम रह जाने की वजह से फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सका। वैसे कई लोग तो यहाँ तक कहते हुए भी सुने आए कि फिल्म पवन सिंह की गदर फिल्म से सीधे टकराने की वजह से फिल्म की रिलीजिंग डेट को टाल दिया गया था। खैर मामला जो भी हो, लेकिन फिल्म दुल्हन चाही पाकिस्तान से का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया जाना सुकून देने वाली बात हो सकती है। न्यूज रूम से मेघा की रिपोर्ट।